हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लास ज्ञान एक्सपी। तो हमेशा के तरीके से आज भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑन करें ताकि जब भी हमारा कोई लाइव क्लास या लाइव टेस्ट स्टार्ट होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपने अभी तक ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस नहीं तैयार किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस जरूर तैयार करें। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ईमेल पूर्णतया डिलीवर नहीं होता है तो वो कहाँ सेव रहता है? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, आउटबॉक्स। जब हम किसी को मेल सेंड करते हैं, इनकेस अगर वो किसी भी रीजन से उसको मेल डिलीवर नहीं होता है तो उस केस में जो हमारा मेल होता है वो आउटबॉक्स में रहता है। जैसे उसको डिलीवर हो जाता है वो ऑटोमेटिक हमारा सेंट बॉक्स के अंदर आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस का नंबर किसके बीच रहता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल आईपी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस नाम की एक प्लेलिस्ट है जहां पे काफी डिटेल में कवर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस टॉपिक को जरूर देखिएगा, इससे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है, लेकिन काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, 02-255 के बीच जो भी आईपीज होती हैं उनका नंबर वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में सीपीयू रैम रोम जुड़े होते हैं? ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि पिछले महीने ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। बिल्कुल सही, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। सीपीयू रैम एंड रोम ये सारे कंपोनेंट हमारे मदरबोर्ड पे जुड़े होते हैं या मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ए का मास्क 255.0.0.0 होता है और ये भी एक काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड कई सारे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आईपी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही, हालांकि काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। जो क्लास ए का मास्क एड्रेस होता है 255.0.0.0 और अगर हम क्लास बी की बात करें तो यहाँ पे 255.255 हो जाएगा और क्लास सी की बात करें तो यहाँ पे 255 255 और 255 लास्ट में जीरो होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर व हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक किस पर ब्याज देता है? और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज एक टॉपिक है हमारे ट्रिपल सी सिलेबस में, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। इस पर भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। आप हमारे चैनल पर जाके ऑनलाइन ट्रिपल सी क्लासेस के बाद एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे और प्लस इसमें काफी सारे टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं जो कि आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। तो आप इसको जरूर देखिएगा, इससे काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बैंक किस पर ब्याज देता है? तो यहाँ पे जमा राशि, जो भी आप डिपॉजिट करते हैं उस पर मिलता है इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है? बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर है बी, टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से बदलने के लिए। यहाँ पे रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अधिक सक्रिय है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है उसकी अगर हम बात करें स्पीड की तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में काफी ज्यादा स्पीड होती है इंकजेट प्रिंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 95 कौन सा सॉफ्टवेयर है?
बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे विंडोज 95 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल मेन्यू में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है? अगर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज करते हैं तो वहां पे एक फाइल मेन्यू मिलता है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उस फाइल मेन्यू के अंदर नहीं होता है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, डिलीट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरे के ईमेल अकाउंट को हम प्रयोग कर सकते हैं? आंसर देने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद इसका आंसर रिप्लाई करिएगा। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉल्स, हम किसी दूसरे के ईमेल अकाउंट को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचटीएमएल में वेब पेज बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जो एचटीएमएल कोडिंग होती है, जिसके थ्रू हम वेब पेज डिजाइन करते हैं, और ये कोडिंग हम किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, वेब ब्राउजर में, एक्सएमएल में, नोटपैड में, या नेट पेज में? इनमें से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिए। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नोटपैड। हालांकि काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं, और जब हम नोटपैड पे एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं तो इसकी जो फाइल होती है उसको हम सेव करने के लिए जो एक्सटेंशन देते हैं वो होता है .html या .stm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम कमांड से टाइम व डेट को अपने अनुकूल कर सकते हैं? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जुड़ा हुआ है डॉस से। डॉस में एक टाइम कमांड यूज होता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो ये क्वेश्चन होगा फॉल्स, हालांकि काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फॉल्स। टाइम एक कमांड होता है जिससे हम टाइम देख सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे बात की गई है टाइम और डेट। इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि टाइम और डेट दो अलग अलग कमांड्स होते हैं और दोनों को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अगर हमें टाइम चेंज करना है तो टाइम कमांड यूज करते हैं, और अगर डेट चेंज करना है तो हम डेट कमांड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फोल्डर के नाम में हैश का प्रयोग हो सकता है जबकि क्वेश्चन मार्क का नहीं? ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से पहले समझिएगा, उसके बाद रिप्लाई करिएगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, हालांकि काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। अगर आप किसी फोल्डर का नाम देना चाहते हैं, वहां पे आप हैश देना चाहते हैं उस नाम के अंदर, तो अलाउड है, जबकि आप क्वेश्चन मार्क किसी भी फोल्डर या फाइल के नेम में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि लिखा हुआ हैश का प्रयोग हो सकता है जबकि क्वेश्चन मार्क का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? तो बिल्कुल सही, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है? बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नोटपैड पर वस्तु चित्र बना सकते हैं? क्या आप ड्राइंग बना सकते हैं नोटपैड पे? बिल्कुल सही, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉल्स होगा यहाँ पे, क्योंकि नोटपैड पे ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है जिससे हम उस पर ड्रॉइंग कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिट मेन्यू पर रिप्लेस विकल्प का चयन करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पहले रीड करिए, उसके बाद इसका करेक्ट आंसर रिप्लाई करिएगा। बिल्कुल सही, हालांकि काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, फाइंड एंड रिप्लेस। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, अगर आप वहां पे रिप्लेस विकल्प पे क्लिक करते हैं तो उसमें आपको रिप्लेस, गो टू और फाइंड, ये तीनों ऑप्शन मिलते हैं, और उस डायलॉग बॉक्स को जो नाम होता है उसका नाम होता है फाइंड एंड रिप्लेस।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरटी मॉनिटर को मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहा जाता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नहीं पता है तो इसको नोट डाउन करिएगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। हालांकि काफी सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। जो मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं उनको सीआरटी मॉनिटर भी कहा जाता है, या सीआरटी मॉनिटर को मोनोक्रोम मॉनिटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो फाइल को ईमेल के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फॉल्स। हम वीडियो फाइल को भी ईमेल के साथ अटैच करके उसे किसी को भेज सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, www हाइपर टेक्स्ट प्रस्टो का इंटरनेट पर एक विशाल संग्रह है, और इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में। www को हम इंटरनेट भी बोलते हैं या इंटरनेट कहते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन होता है फॉल्स। अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा वो क्वेश्चन क्यों फॉल्स है। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ट्रू। अब देखिए यहां पे इंटरनेट www क्यों नहीं बोलते हैं इंटरनेट को, क्योंकि इंटरनेट का जो डेफिनेशन होता है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ओके, वो होता है इंटरनेट, कई सारे नेटवर्क का एक तरीके से ग्रुप होता है जिससे काफी सारे अलग अलग तरीके के नेटवर्क्स जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। जबकि www क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्रस्टो का संग्रह होता है जिसको हम बोलते हैं www। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ब्राउजर मुफ्त नहीं है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर अभी तक आपने CCC का कंप्लीट सिलेबस नहीं तैयार किया है तो उसे जरूर कंप्लीट करें। इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं एक बार में CCC एग्जाम क्वालिफाई करना अच्छे ग्रेड से, तो आप सिलेबस जरूर कंप्लीट करें। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। हालांकि काफी सारे लोग इस क्वेश्चन को लेके भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो ब्राउजर्स हैं वो फ्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम से क्या अभिप्राय। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं वो CCC एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। आप जितने भी प्रीवियस हमारे ऑनलाइन टेस्ट की वीडियोस अपलोडेड हैं उनको आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहे, इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन सेम रिपीट होते रहते हैं CCC एग्जाम में, तो इस वजह से आप ऑनलाइन CCC क्लासेस के जितने भी वीडियोस हैं और प्लस जो भी हम मॉक टेस्ट करते हैं इस तरीके से, उनके भी वीडियोस आप देखें, इससे एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, पढ़ी या लिखी जाने वाली मेमोरी। और कई बार एग्जाम में रैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आई होप आप सभी को पता होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जो पावर ऑफ होने के बाद जिसका डेटा डिलीट हो जाता है। और अगर हम नॉन वोलाटाइल की बात करें तो रोम एक हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है जिसमें पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल यूजर एजेंट की मदद से हम अपनी ईमेल को प्रबंध मीन्स मैनेज कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही, यहां पे इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रू। जो मेल यूजर एजेंट होता है, जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस एक मेल यूजर एजेंट है, और इसकी मदद से या इसकी हेल्प से हम अपने मेल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हालांकि काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करके तभी जाएंगे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में अगर कोई मेरा वीडियो या लाइव टेस्ट या लाइव क्लास स्टार्ट होती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज जाने से पहले लाइक जरूर करिएगा, इससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है
और हमारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स या अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप फेसबुक इन सभी पे शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और उन सभी के मैं हेल्प कर पाऊँ। ओके, तो अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.gyanexp.com पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप चाहें तो मैं व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे मैं अपने वीडियोस के लिंक्स भी शेयर करता रहता हूँ। आप चाहें तो हमें मेल कर सकते हैं info@gmail.com। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने अभी तक ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस तैयार कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी का कंप्लीट सिलेबस जरूर तैयार करें। ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स इन हिंदी नाम की एक प्लेलिस्ट है जहां पे 27 वीडियोस मिलेंगे और इससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। 2 से 3 दिन में ये प्लेलिस्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 1 से 2 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखिए, 100% आप ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और बिल्कुल आप एक बार में ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो जाने से पहले प्लीज लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।